भी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको पता ही है कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल की जो वैकेंसी आई है उसमें टीजीटी और पीजीटी के जो एग्ज़ाम होने हैं उसमें सभी के अच्छे अच्छे नंबर ऑफ सीट्स हैं उसमें। तो उसमें जो टीजीटी है उसमें प्री और मेन करके दो पेपर होंगे, और पीजीटी में भी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टीजीटी है और पीजीटी है दोनों में 90 क्वेश्चन जो होंगे वो जीके जीएस के होंगे, और बाकी के, और इसी में रहेगा मेंटल एबिलिटी और टीचिंग मेथडोलॉजी रहेगा और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो टीजीटी है इसमें 90 नंबर का ये सब रहेगा, और बाकी 90 क्वेश्चन जो होंगे आपके सब्जेक्ट से होंगे। पीजीटी में भी ठीक ऐसे ही है। नब्बे क्वेश्चंस होंगे, 90 क्वेश्चन जो होंगे जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज, मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और टीचिंग मेथडोलॉजी, इन सारे से क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी के जो 90 क्वेश्चन रहेंगे वो बायोलॉजी के रहेंगे। तो जिसका जो सब्जेक्ट होगा उसके क्वेश्चंस रहेंगे, 90 क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और इसको फटाफट रिवाइज भी करेंगे। वीडियो के माध्यम से मैं इसका रिवीजन भी कराऊंगी फटाफट। तो यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है बायोलॉजी का वो सेम वैसे ही है जैसे कि एनवीएस केवीएस और नीट के रहते हैं। बायोलॉजी में सारी चीज़ें पढ़नी रहती है, जैसे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, जो 11th और 12th की जो CBSE बोर्ड की बुक्स हैं उसमें जो चैप्टर दिए हुए हैं उसी की डीप स्टडी कर ली जाए पूरे सिलेबस की, तो वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, टेक्सोनॉमिक एड्स है, कीज़ है, स्पेसिमेन मैनेजमेंट है, सिस्टमेटिक एंड बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें आ जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मेजर ग्रुप्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन विथ ईच ग्रुप। उसके बाद है जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोनेरा, प्रोटोजोआ, फंगाई, एल्गीब्रा, फाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मेजर ग्रुप्स ऑफ एंजियोस्पर्म अप टू सब क्लासेस, और बोटेनिकल गार्डन में, जूलॉजिकल पार्क में, इन सबको भी हमें डिस्कस करना है। उसके बाद है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, इसमें मॉर्फोलॉजी आ जाती है, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, रूट, स्टेम, लीफ का हिस्टोलॉजी, इन्फ्लोरिसेंस, फ्रूट, सीड, टिशू, मेरिस्टेम, परमानेंट, एपिडर्मल ग्राउंड एंड वैस्कुलर टिश्यूज आ जाते हैं। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट इन प्लांट एंड एनिमल में टाइप ऑफ टिश्यूज हम पढ़ लेंगे, और कैम्बियल एक्टिविटी, मॉर्फोलॉजी एनिमल्स का भी और एनाटॉमी भी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो सेल है उसमें सेल साइकिल आ जाती है, माइटोसिस, मियोसिस आ जाते हैं, बायोमॉलिक्यूल आ जाते हैं, और फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स भी आ जाते हैं। और प्लांट फिजियोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी में जो हम 11th 12th में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर इन टिश्यू एंड सेल, ये सब है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है, उसके बाद वही फोटोसिंथेसिस है, ट्रांसपिरेशन है और रेस्पिरेशन है, यही प्रोसेस पढ़ते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस है इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बेसिक प्रिंसिपल और ये सारी चीज़ें। तो प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, उसके बाद से ह्यूमन बायोलॉजी हो जाएगा। ह्यूमन बायोलॉजी में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी है, फिजियोलॉजी, कंट्रोल एंड डिसऑर्डर्स, ऑफ डाइजेशन,
उसके बाद रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम प्लांट्स में भी पढ़ते हैं और उसी तरह से एनिमल्स में भी पढ़ते हैं और ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ते हैं यहाँ पे। बिहेवियर और हार्मोनल बेसिस ऑफ सेक्स डिफरेंसेस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है और इसमें मेंडल लॉ पढ़ते हैं, क्रोमोजोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। ड्रोसोफिला जेनेटिक्स लिंकेज रिकम्बिनेशन है, एडाप्टेशन वर्सेस म्यूटेशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन, पेडिग्री एनालिसिस, ह्यूमन कैरियोटाइप बैंडिंग। जेनेटिक्स में यहाँ पे एक्स वाई लिंक्ड डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं, डिजीज के भी, न्यूमेरिकल स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी ऑफ क्रोमोसोम, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब हो गया। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वर्ड, रेप्लिकेशन, राइबोसोम एंड प्रोटीन। यहाँ पे रेप्लिकेशन में डीएनए का हो जाएगा, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए कैसे बनता है डीएनए से, वह प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है और है डीएनए जीन मैपिंग, क्रोमोसोम बैंडिंग और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है। उसके बाद है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में यहाँ पे थोड़ा बहुत ये सब है, जीन एक्टिविटी इन प्रोकैरियोट यूकैरियोट, सिग्नल फॉर जीन कंट्रोल हार्मोन एंड ग्रोथ फैक्टर, टोटिपोटेंसी क्या होती है, स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में कॉस्मिक एवोल्यूशन, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, थियोरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्रू द बायोकेमिकल एवोल्यूशन, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है, ओरिजिन ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, ये सब पढ़ना है इसमें। उसके बाद है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, हेल्थ एंड डिजीजेज, टाइप ऑफ डिजीजेज में कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। इम्यूनोलॉजी में इननेट एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी है, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन, ह्यूमरल सेड मेडिएटेड इम्यूनोलॉजी का ये सब है। ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज, एडिक्शन, ये सब है। उसके बाद लास्ट है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स वगैरह पढ़ते हैं, क्रायोप्रिजर्वेशन पढ़ते हैं, फ्यूजन मेथड्स, डिटेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, डीएनए वैक्सीन्स, ये है। इकोलॉजी हो गया, ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन टीजीटी बायोलॉजी, ये जो ऊपर का था ये किसके लिए था, पीजीटी बायोलॉजी के लिए था। यहाँ पे है उसी का थोड़ा सिलेबस जो टीजीटी बायोलॉजी के लिए है, जो सिलेबस टीजीटी बायोलॉजी के लिए है ये थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। व्हाट इज लिविंग बायोडाइवर्सिटी, क्या है नीड फॉर क्लासिफिकेशन, हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, सेल का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। प्लांट फिजियोलॉजी में है वाटर रिलेशन, ट्रांसपिरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन अपटेक, फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक फेजेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये है कंडीशन ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। ह्यूमन फिजियोलॉजी में है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये सब पढ़ना है हमें। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, यूरिन फॉर्मेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है।
रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोसिस्टम, तो हम देख सकते हैं कि जो TGT बायोलॉजी का सिलेबस है वो जो है PGT बायोलॉजी के सिलेबस से थोड़ा मिनिमाइज्ड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेबस और इसके हिसाब से हम TGT बायोलॉजी के हिसाब से पढ़ाई भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग जल्दी ही शुरू करेंगे, इस पर भी वीडियो मैं डालती जाऊँगी और फटाफट चाहें तो यहाँ से रिविज़न कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।